तो बच्चों, जैसे बॉटनी जियोलॉजी में तुमने बिल्कुल 340, 350, 360 वाला अकॉर्डिंग टू यू डिसाइड किया, केमिस्ट्री में बोला, फिजिक्स बेटा ये बात एकदम गारंटी है। और गारंटी नहीं, तुम एक बार कहीं भी किसी बच्चे को जो हमसे पढ़ा है न्यूट्रॉन बैच में पूछना, तुम्हें पता चलेगा कि हमारा प्रैक्टिस लेवल कहाँ पे है। हम लोगों ने सर वो जो AAT ऐड किया, मैं काउंट कर रहा था, 700 से ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने लास्ट के 10 मिनट्स में करवाया है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है सिलेक्शन के लिए, फिजिक्स की बात अगर मैं करूं कि क्या तुमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, और कॉन्सेप्ट के बाद वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो इसकी पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की, वो तुमने किया है कि नहीं किया। तो बेटा हम इन दोनों चीज की बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से ख्याल रखते हैं कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि नई चीज में भी थोड़ा सा दिमाग लगा पाओ। और दूसरा, सारे वैरायटीज के क्वेश्चन हम क्लास में कराते हैं, ये बात एकदम कुछ बोलने की नहीं है, क्योंकि हमने करके पूरा दिखा दिया है 11th में न्यूट्रॉन में। तो एसीपी सर, अपना जो कंटेंट है वो बिल्कुल ऐसा है कि बच्चा को एक सिंगल क्वेश्चन 50 में से ऐसा नहीं होगा जो क्लास के बियॉन्ड आएगा। तो हम दोनों एसीपी सर और मैं आदित्यानंद पूरा का पूरा फिजिक्स को कवर कर रहे होंगे, और बिल्कुल विश्वास करके आप लोग आइए, हम लोग बिल्कुल टारगेट तो 180 वाला है, लेकिन रियलिस्टिक यह है कि अभी थोड़ा सा आधा चल लिया है आपने। अगर कोई जीरो से शुरुआत किया है तो वो क्या मिनिमम कर सकता है, हमने उसकी बात करी है। मैक्सिमम पे तो बेटा तेरे हाथ में 160, 170, 180 कुछ भी लाओ, लेकिन हाँ एक बात की गारंटी है कि कोई कॉन्सेप्ट और कोई क्वेश्चन क्लास में जो हम कराएंगे उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। तो एसीपी सर बताइए बच्चों को थोड़ा। नहीं सर देखो, बिल्कुल कई बच्चों के ये डाउट है और होना भी चाहिए। वो सोचते हैं कि क्या यार 3-4 महीने के टाइम में हमें उतना ही सिलेबस पढ़ाया जाएगा जो पूरे साल में पढ़ाया जाता है, कॉमन से डाउट आता है। हाँ। तो बेटा देखो, उसका जवाब सिंपल सा है, यदि तुम्हारे पास 4 महीने का समय भी अपन निकालते हैं तो उसमें अपना जितने भी चैप्टर्स है, देखो तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट जाना पड़ेगा, हर फॉर्मूले पे फोकस करना पड़ेगा, बिना फालतू की जो चीजें हैं, जो बिना फालतू के डेरिवेशंस हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हैं, जो कभी पूछे नहीं जाएंगे नीट में, उनको स्किप करना पड़ेगा, तुम्हें टू द पॉइंट बात करनी पड़ेगी। तो सिलेबस पूरा आराम से मजे मजे में होगा और खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी क्लास में, हर एक फॉर्मूले के ऊपर बात की जाएगी, हर एक फॉर्मूले को समझाया जाएगा, क्या उसमें क्या चीजें बताई गई हैं, कैसे काम में लेना है, उस पर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, और सारी थ्योरी सारी चीजें कंप्लीटली कवर होंगी, कोई भी चीज ऐसी छोड़ी नहीं जाएगी, ठीक है। हाँ, अब देखो बात करते हैं तुम्हारे एंड से क्या जरूरत है। फिजिक्स में 140 क्या मैं कहता हूं 150 प्लस भी आराम से आ सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, पहले तो लेक्चर को कंप्लीटली फॉलो करना है, पूरा लेक्चर देखना है, सारे फॉर्मूले वगैरह जैसा टीचर बोलता है। उसके अलावा क्लास के बाद में तुम्हें प्रैक्टिस के लिए मात्र मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि डेली फिजिक्स के 25 क्वेश्चन लगा लो, सिर्फ 25 क्वेश्चन लग रहा होगा छोटा सा टारगेट है कि हाँ 25 क्वेश्चन, तुम चाहे कितना ही आसान क्वेश्चन उठा लो, तुम्हारी मर्जी है, चाहे नीट के पहले के क्वेश्चन उठा लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठा लो, जहां से जो तुम्हें लगे, मात्र 25 क्वेश्चन डेली करने की आदत डाल लो, फिजिक्स में तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। फिजिक्स की बात करूं, सॉरी, बाकी सब्जेक्ट की तो हम करवाए देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो सिलेक्शन आराम से हो सकता है, 150 मार्क्स लाए जा सकते हैं। अब एक पॉइंट में बोल रहा हूं सर, लास्ट में जब हम कोई चीज को पढ़ते हैं कंप्रेस करके 3-4 महीने में, तो होता क्या है, देखो शुरुआत में क्या होता है कि वही अंधी दौड़ चल रही होती है, कुछ भी करा रहे होते हो, लेकिन अंतिम समय में जो फोकस्ड पढ़ाई होता है ना, रियल में वही सिलेक्शन करवाता है, क्योंकि उस टाइम में तुम टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कोई भी टॉपिक है, रोटेशन है, 5 टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा है, 5 से 7 टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, और 7 टॉपिक से मान लो 25-30 कर लिया क्वेश्चन, हो गया भाई। तो सिलेक्शन इस तरीके से होगा, और अभी समय है तो लग जाना है फिजिक्स में और फोड़ देना है बच्चों, बाकी सब्जेक्ट के साथ लगते हैं, वैसे देखा जाए ना तो लगभग 25 क्वेश्चन का भी टारगेट है, 25 से 30 क्वेश्चन का, तो लगभग 5,000 के लगभग क्वेश्चन हो जाते हैं, इनफ होता है, और हर चैप्टर में 200 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन लगाना, मतलब उस चैप्टर के हर कांसेप्ट हर फॉर्मूले पे 5-5 क्वेश्चन कर लोगे,